हेलो हाय नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है रूबी। फ्रेंड्स ये देखिए मेरा टीका, मेरा पूजा करने गई थी, पूजा करके आ गई हूँ। तो अभी हमने चाय बनाया आकर और चाय पीने जा रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए मैंने टीका लगाया हुआ था, टीका पूरे गर्मी हो रही है, पसीना से पूरा बह गया है ये देखिए, और रेड रेड हो गया। टीका लगाया था तो वही बह के यहाँ तक आ गया है। और बारिश हो रही थी लेकिन जैसे ही निकलता है धूप, आज कड़ी धूप निकली है सुबह से, तो वही बहुत ही गर्मी हो रही है। पूजा करके आई हूँ, तुरंत चाय बनाई हूँ, उसके बाद चाय पियेंगे। फ्रेंड्स देखिए दूध है, 1 लीटर दूध था और ये देखिए अचानक से ऐसे फट गया है। बच्चों को पीने के लिए आता है, मैं चाय भी इसी में बना लेती हूँ, लेकिन ये देखिए आज मैं इसको पका रही थी, अचानक से ये फट गया है। और जब मैंने इसको निकाला था ना, बिल्कुल सही था, जब उबाल आते ही देखिए ये इस तरीके से फट गया है। और ये शाम को ही ले आया था लेकिन सुबह देखिए ऐसे फट गया, पता नहीं कैसे। और यहाँ पर देखिए जब मैंने इसको उबाल लिया है और ये इस तरीके से देखिए हो गया, तो मैं इसको सोच रही थी क्या करूँगी, तो मुझे याद आया कि मैं इसका पनीर बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी ना उसको पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आए दिन पूछती रहती, मम्मा पनीर बनाई हो क्या, पनीर की सब्जी बनाई हो क्या। और मुझे पनीर की सब्जी ही खानी है, मतलब दिन भर में, शाम तक भर में कई बार पूछ लेती है। तो मैंने इसको देखिए इस तरीके से यहाँ पर पनीर बना लिया है और इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसकी सब्जी बनाएंगे। फ्रेंड्स ये पार्क है, अभी इस समय हम पार्क में हैं, अपनी छोटी बेटी को स्कूल से लेने गई थी तो ये रास्ते में ही जिद करने लगती हैं, तो अभी इस समय हम लोग पार्क में आ गए हैं। और चलिए आप सबको भी थोड़ा सा पार्क घुमाते हैं। अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर देखिए ये है गुड़हल का पेड़ है, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसी जगह पर आकर मन खुश हो जाता है, थोड़ा सा टहोड़ा मन जो भी अशांत रहता है, हरी भरी हरियाली देख के मन खुश हो जाता है। इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ मतलब आम के बड़े बड़े पेड़ ही हैं। गुड़हल आप जानते हैं, गुड़हल होता है गोले गोले, जिनकी सब्जियां बनती है जब हरे रहते हैं तब उनकी सब्जियां बनती हैं, जब पक जाते हैं तो इनको खा भी सकते हैं। इतना बड़ा सा देखिए पेड़ है, गुड़हल का है ये जो आपको दिख रहा है। चलिए अभी चलते हैं घर इनको लेकर। मैं आई थी स्कूल इनको लेने के लिए, जब स्कूल आती हूँ ना तो ये जिद करती है मेरी छोटी वाली बेटी कि मम्मा मुझे थोड़ा सा घुमा दो। यहाँ पर देखिए मैंने बैग रख दिया था इनका, आज इनके पापा नहीं आए थे लेने के लिए, मैं ही आई थी। कभी कभी मैं आ जाती हूँ, जब रहते हैं तो नहीं आती हूँ, नहीं रहते हैं तो आना पड़ जाता है। और ये देखिए क्या कर रही हैं, हम लोग चल रहे हैं घर। अभी इनको ऐसे बुलाएंगे ना तो नहीं आएंगी, जब मैं जा रही हूँ तभी आएंगी। आ जाओ, आओ देखिए अब आएगी। ये देखिए ये गुलर का पेड़ है, मैंने आपको दिखाया था, बहुत बड़ा पेड़ है, फरा भी है। यहाँ पे देखिए ढेर सारे गिरे हुए भी हैं, फरा हुआ भी है, अभी ऊपर फरे हैं। देखिए गिलहरी भी है, गिलहरी देख रहे होंगे ऊपर पेड़ पर, ये देखिए दौड़ रही हैं। हाँ चलो हवेली का साया है क्या? बच्चे की देखिए दिमाग क्या होता है, तेरी हवेली का साया है क्या? ये फ़ोन में देखते हैं जो होता है, क्या होता है भूत वाले जो, हाँ क्या हो? हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने लगाया है पौधे, ये ना गुलाब का है, इसकी कलम लगाई हुई है और एक दो गमले में लगाया हुआ है, एक ये है, दो में लगा दिया है। बारिश का समय है ना तो ये अच्छे से ग्रो कर जाएगा, बढ़ जाएगा, निकल आएगा। मैंने ना इसी तरीके से एक गमले में लगाया था, ये फर्स्ट गमला है, तो इसको तो खरीद कर ले आए थे ना, लगाए थे। और यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे इसमें फूल इस तरीके से आने लगे हैं, क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हुई थी काफ़ी दिनों से, ये छोटे छोटे फूल इसमें आने लगे हैं। और इसी की कटिंग मैंने यहाँ पर देखिए इस गमले पर लगाई थी यहाँ पर, तो ये ऐसे देखें छोटे छोटे लगे हुए थे तो इतना बड़ा ये बन गया है, इतना बड़ा पौधा तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से मैंने दो गमलों में लगा दिया है, ये दोनों भी पौधे तैयार हो जाएंगे। तो अभी शाम हो गई है, छत पर बच्चे को साथ में आए हैं खेलने के लिए, थोड़ा सा ये खेल रही हैं, थोड़ा सा मैं टहल लूँगी। और देखिए बाल मेरे पूरे बिखरे हुए हैं, करी मम्मा मुझे दिखा दो क्या कर रही,
कैसा लगेगा? मुझे भी दिखा दो। तुम तो कपड़े ही नहीं पहने। बच्चे हैं, बैठे हैं, खेल रहे हैं तरीके से, इसमें फूल खिलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, 3 से 4 घंटे हो गए, पनीर हमारे कितने अच्छे सेट हो गए हैं। बहुत ही अच्छा पनीर बना हुआ है और ये जो पनीर में से पानी निकला हुआ था वो पानी है। तो आज मैं पनीर की नई रेसिपी आपके सबके साथ शेयर करूंगी और इसका पानी भी यूज़ करके दिखाऊंगी। तेल रख दिया है कढ़ाई में, सरसों का तेल है, गर्म हो रहा है। ये पनीर है, जो पनीर को हम कट कर लेंगे। अच्छा, ये जो पनीर है ना, पनीर में से जो फैट निकलता है, मैंने फैट भी नहीं निकाला है, तो बहुत ही सॉफ्ट पनीर है। पनीर हमारे कट हो गए हैं, तेल भी गर्म हो गया है, इनको फ्राई कर लेंगे। जब मैं पनीर को फ्राई कर रही थी ना, तो अंदर से थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि ये तेल में जाने के बाद और भी सॉफ्ट हो गए थे, तो चलाते हुए डर लग रहा था कि कहीं ये टूट ना जाए, पिघल ना जाए। लेकिन बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गया है। और यहाँ पर देखिए, हमने उसी कढ़ाई में तेल में तड़का लगा दिया है, जीरे और दो तेज पत्ते डाले हुए हैं, और ये प्याज लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट है। ये देखिए पनीर हमारे कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। और यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा समय क्या लगता है, जब सब्जियाँ हम लोग पकाते हैं, जो पेस्ट होता है पेस्ट को ही ज़्यादा समय देना पड़ता है। और मसाले हैं, जब तक हम मसाले और पेस्ट को अच्छे से पकाएंगे नहीं ना, तब तक सब्जी में स्वाद नहीं आता, सौंधापन नहीं आता है। तो सबसे ज़रूरी होता है सब मसालों को पकाना, और इन्हीं में ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने सूखे मसाले ऐड किए हुए हैं। मसाले क्या हैं, 2 चम्मच सब्जी मसाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1 चम्मच है राजेश मसाला, आता है हमारे यहाँ मिलता है, तो वो हमने ऐड किया। बस इससे ज़्यादा कोई मसाला नहीं है। तो मसाले हमारे सूखे हैं तो जल्दी से पक जाएंगे। और ये टमाटर है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने मिक्सी में पीस लिया था, उसको यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, इसको भी हम पकाएंगे। और जो मिक्सी के जार में पीसा हुआ था, थोड़े लग जाते हैं। तो हम लोग लेडी से क्या होता है, जो ये होता है कि ना, कि हमारे कोई भी सामान जो होता है वो वेस्ट ना जाए, तो कितना भी हो सके हम लोग हमारे यूज़ हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, मसाले हमारे पक गए हैं। और ये ग्रीन मटर है, हरी वाली जो उबली हुई आती है, वही मटर है। यहाँ पर डालकर ढककर पका लिए हैं थोड़ा सा। और अभी यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो पनीर से पानी निकला हुआ था ना, वही पानी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, सारे हमने डाल दिए हैं। और पानी नहीं डालेंगे, इतना काफ़ी है। और नमक डाल दिए हैं, नमक स्वाद के अनुसार, ढककर पकाएंगे। तो ग्रेवी में यहाँ पर देखिए उबाल आ गया है। अभी यहाँ पर एक मैजिक मसाला डालेंगे, ये सीक्रेट है, बहुत ही टेस्टी इससे सब्जी बनती है। एक बार इस तरीके से ट्राई करिएगा, पनीर की सब्जी बनाकर एक बार बना लेंगे तो आप इस तरीके से बार बार बनाना पसंद करेंगे, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेवी में उबाल आ गया था, हमने डाल दिया है पनीर। पनीर डालने के बाद यहाँ पर देखिए, हमारी पनीर भी पक के तैयार हो गई है सब्जी। इसको ढक दिए हैं और यहाँ पर देखिए, रख दिए थे ढककर, कितना थिक हो गया है ना, रखने पर भी थोड़ा ये थिक हो जाता है। और इतनी अच्छी सब्जी, सॉफ्ट पनीर बनी हुई है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही टेस्टी सब्जी। और जो हमने पानी का यूज़ किया है, तो इससे बहुत ही पावरफुल हमारी सब्जी बन गई है। तो फ्रेंड्स, आई हो आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।